ये असल में सिंचाई और पानी की भरतपुर में ज़बरदस्त समस्या है, और उस समस्या के लिए बाणगंगा नदी और गंभीर नदी, इन दोनों पानियों में नदियों में पानी के लिए, चंबल के अतिरिक्त पानी को लाने के लिए हमने वर्ष 2007 में यहाँ एक आंदोलन शुरू किया था और सरकार से ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट बनाने की मांग की थी। 2007 से लेकर अब तक हम लोग बाणगंगा के अलावा गंभीर नदी दोनों के में पानी लाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। अब पिछली तत्कालीन सरकार ने एक योजना बनवाई है ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट के नाम से, जो अभी तक केंद्र सरकार के अंतर्गत विचाराधीन है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस संबंध में हम लोगों ने जो राजस्थान के 13 ज़िले इसमें सम्मिलित किए गए हैं प्रोजेक्ट में, उन जिलों में जो ये पानी मिलेगा सिंचाई और पेयजल के लिए, उनसे संबंधित जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं, जो माननीय MP महोदय हैं, उनको हमने आज एक पत्र लिखा है और उनसे आग्रह किया है कि आप भी उसी योजना के अंतर्गत आपका इलाका आता है, आप सरकार पर, केंद्र सरकार में बात करें और योजना को जल्दी से जल्दी मंजूर कराने की कोशिश करें।